हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों. मैं जयेश पलाड़िया, प्रोप्राइटर ऑफ जेपी इंडस्ट्रीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में. आज हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसके अंदर में बहुत ही कम लागत के अंदर में आप एक अच्छे तरीके से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो. आजकल की मार्केट में आपको जैसे पता ही होगा कि जो स्टील की प्लेट्स वगैरह होती है वो काफ़ी कम यूज़ में होती है. आजकल का जो डिमांड है वो पेपर प्लेट्स वगैरह है, क्योंकि कहीं पर भी आप जा रहे हो नाश्ता करने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, तो आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मैन पावर है. कहीं पर जो बर्तन साफ़ करने के लिए वगैरह के लिए मैन पावर नहीं मिलती. सेकेंड थिंग है जो हाइजीन, जिसको हम बोलते हैं कि जो भी बर्तन है साफ सफाई किए हुए है बट वो प्रॉपरली हाइजीन नहीं होते. तो द इजिएस्ट सॉल्यूशन क्या है आज के डेट के अंदर में कि हम लोग डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स वगैरह यूज़ कर सकते जो कम्प्लीटली हाइजीन होती है, बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनी होती है. तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ये, और काफ़ी सारा डेवलपमेंट है इसके अंदर में. सो आज हम आपको उसी मशीन के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं. बहुत सी अलग अलग टाइप की मशीन्स होती है जिसके थ्रू आप ये प्रोडक्ट्स बना सकते हो. डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग तरीके की मशीनें चूज़ कर रहे हैं. ये जो बेसिकली जो कंपनी है वो सूरत के अंदर में लोकेटेड है, अमरोली एरिया के अंदर में, और आप हमको ऑनलाइन भी फाइंड कर सकते हो. आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जेपी इंडस्ट्री, यू विल गेट अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सो शुरू करते हैं बेसिक कुछ मशीन्स के साथ में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली मशीन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन है, जिसके अंदर में आप ऑलमोस्ट सारा जो भी प्रोडक्ट है पेपर का, पेपर प्लेट्स हो गया, डिश हो गया, थाली है, बाउल्स है, और अलग अलग टाइप्स के जो कंटेनर्स है वो आप इसके अंदर में बना सकते हो. बेसिक जो मशीन है, इसका जो वर्किंग सिस्टम है वो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म पे काम करता है, जिसके अंदर में एक ऑयल टैंक रहता है, एक 2 HP का मोटर रहता है, और एक सिलेंडर रहता है, और एक पेपर फीडिंग के लिए मोटर रहता है. सेकंड, इसके अंदर में कम्प्लीटली ऑटोमेशन पैनल सिस्टम दिया हुआ है, जिसके थ्रू आपको सारी ही फंक्शनिंग जो है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली अवेलेबल होती है. कुछ भी चीज़ आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती है. अभी सबसे पहले मशीन की खासियत में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या होता है ना कि एक सिलेंडर है जिसके साथ में 4 डाइया अटैच है, 1, 2, 3 और 4. अभी ये जो डाई लगी हुई है वो आपको जिस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपको इसके अंदर में डाई सेट करना है. जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो डिश है ये कुछ अलग डिज़ाइन का पेपर प्लेट से, जिसको हम लोग रिंकल प्लेट बोलते हैं, ये कुछ अलग डिज़ाइन का डिश है जिसको हम लोग चिल्ला प्लेट बोलते हैं, ये जो है ये छोटी सी चटनी के लिए वाटी होती है, ठीक है, और ये जो है ये भी चिल्ला प्लेट है, काफ़ी अच्छे मटेरियल से, काफ़ी स्ट्रांग तरीके से बनी हुई है, ठीक है, और ये जो है ये सबसे ज़्यादा चलने वाला 6 इंची का पेपर ड्रोन है, ठीक है, और एक सबसे बड़ा आइटम जो है वो है अपना 13 या 14 इंची का थाली हम लोग इसके अंदर में बना सकते हैं. महाराष्ट्र के अंदर में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 100 और 120 GSM पेपर के अंदर में, ठीक है. तो आइए बेसिकली शुरू करते हैं कि मशीन की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है. तो चलिए हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्टार्ट कैसे होती है मशीन, ठीक है. ये जो ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर के अंदर में, जो 3 बटन दिए हुए हैं, ये जो बटन है ये ऑटो और मैनुअल मोड होता है, ठीक है. मशीन के अंदर में 3 मोड होता है, एक ऑटो मोड होता है, एक मैनुअल मोड होता है, और एक ट्रिगर मोड होता है, जो आप तीनों मोडों के अंदर में मशीन को ऑपरेट कर सकते हो. ये जो पावर बटन है इससे आपका मोटर शुरू होता है, ठीक है, और सेकंड इससे आपका टाइमर शुरू होता है. टाइमर के अंदर में आपका पूरा जो सिस्टम है वो फंक्शनिंग दिया हुआ है. जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें अप टाउन टाइम, डाउन टाइम, होल्ड टाइम, सारी कुछ चीज़ें दी हुई है. आप इसको कम्प्लीटली अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो. जैसे अभी हम लोग एक ऑपरेटर को बोल रहे हैं इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, वो हमको दिखाएगा कि ये कम्प्लीटली कैसे ऑपरेट होता है. जी, ये जो ब्लैक कलर के जो नॉब दिए हुए हैं वो पावर हीट रेगुलेटर्स है. जैसे कोई भी जो डाई है वो हीट के ऊपर में ऑपरेट होती है, तो आपको उसका जो हीट होता है उसको रेगुलेट करना होता है. तो ये जो बटन्स है, ये जो बटन्स दिए हुए हैं इसके थ्रू आप जो है इसका हीटिंग कंट्रोल कर सकते हो. आपको इसको कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है. जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें अप टाइम, डाउन टाइम, होल्ड टाइम, सारी कुछ चीज़ें दी हुई है. आप इसको कम्प्लीटली देख पा रहे हैं, ठीक है. तो ये जो पूरी प्रॉपरली फंक्शनिंग दी हुई है, फिर कोई भी प्रोडक्ट जो आपका एक बार बन गया
वो प्रोडक्ट बनने के बाद में उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे दो ब्लोवर्स दिए हुए हैं, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट जो है आपका ऑटोमेटिकली बनने के बाद में जो बाहर आ जाएगा, ठीक है। पीछे की साइड पे जो रील स्टैंड दिया हुआ है वो फिलहाल 4 रील के लिए दिया हुआ है। इट मीन्स कि आप इसमें 4 रील लोड कर सकते हो, बट अगर आप चाह रहे हो कि इसमें आप 4 की जगह पे 6 रील या 8 रील यूज़ करना चाहते हो, आपका जो पेपर का जो GSM है वो अगर काफ़ी पतला है, तो आपका अगर पेपर का जो GSM है वो अगर काफ़ी पतला है तो आप ज़्यादा रील्स भी यूज़ कर सकते हो। आपका जो पेपर का जो GSM है वो अगर बहुत ही पतला है तो आप ज़्यादा रील्स भी यूज़ कर सकते हो, अगर वो पेपर का GSM मोटा है तो आप उसमें कम रील्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डाई जो है वो चेंज करना बहुत ही आसान होता है। जैसे हमको यहाँ से ये जो एक बोल्ट दिख रही है, ये एक ही बोल्ट को खोलना है और ये जो डाई है वो अलग हो जाती है, और इसके अंदर में बहुत सारे डिफरेंट डाइज हम लोग यूज़ कर सकते हैं।